हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। ये हमारी कंपनी का 10+3 मॉडल सोडा मशीन है, जो सोडा शॉप में लगने वाली मशीन है, दुकान में लगने वाली मशीन है। 10+3 मॉडल, ये हमने पूरी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरी मशीन बनाई गई है। कस्टमर ने जो बताया था वो हिसाब से पूरा कस्टमाइज करके पूरी मशीन हमने बनाई गई है। 10+3 मॉडल है, 10 सोडा वाले फ्लेवर है, 2 जूस वाले फ्लेवर और एक प्लेन चिल्ड वाटर का है। इसके अंदर से आपको ठंडा पानी निकलेगा। यहाँ पे जो वाल दिया इसके अंदर से ठंडा पानी निकलेगा, चिल्ड वाटर। जो कस्टमर ने हमको पहले बताया था कि एक चिल्ड वाटर का भी हमको नल करके देना है, तो इसका हमने नल करके दिया हुआ है। और पूरी वन सेटअप मशीन है, एक ही सेटअप में मशीन आती है पूरी। ये पूरा वन सेटअप मशीन है, पूरा कम्प्लीट इनबिल्ट है। और यहाँ पे जो ड्रॉवर दिया गया है जिसके अंदर कोई सामान रखना है उसका ड्रॉवर दिया गया है। और ये नेंसर कंपनी के वाल लगाए जिसके अंदर हमने, तो आप देख सकते हो पूरा। और ये मैंगो के वाल जो रहते हैं टेपराइट कंपनी का वाल है। और ये इनबिल्ट वाटर टैंक वाली मशीन है, पानी की टैंक मशीन के साथ में आ जाती है इनबिल्ट टैंक। पूरी मशीन देख सकते हो, ये पूरा इसका साइड लुक है, आप साइड लुक भी देख सकते हो पूरी मशीन का। यहाँ पे पूरी मशीन है, ये ऑनलाइन चिल्लर है। यहाँ पे जो ऑनलाइन पानी, जो कूलिंग कंप्रेसर ठंडा होता है वो पानी यहाँ पे ऑनलाइन चिल्लर रहता है। ये इसका वाटर टैंक है, डिफरेंट है, दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग रहता है। यहाँ पे जो सिरप कोयल है, स्टील की पाइप है, इसके अंदर लगी रहती है। तो ये पानी पीने में काम नहीं आएगा, ये ओनली ऑनलाइन चिल्लर ठंडा करने के लिए काम आएगा। और जो पीने के लिए पानी काम आएगा, यहाँ पे पानी भरेगा इसके अंदर। और ये पानी भी आप इसको रिफिल करेंगे तो ये भी ठंडा होगा। इसके अंदर कंप्रेसर ऑपरेट करेगा तो ये पानी भी चिल्ड होगा, ठंडा होगा। पूरा कूलिंग सिस्टम हमने यहाँ पे इसके अंदर लगाया हुआ है। तो कंप्रेसर का जो सिस्टम है ये पूरा नीचे बॉक्स में पूरा लगाया हुआ है। या पूरा इसका बैक साइड लुक भी देख सकते हो, पीछे का लुक है। यहाँ से आप इसके अंदर 20 लीटर का आरओ का बाउल भी उल्टा मार सकते हैं, या डायरेक्ट पाइप करके नोजल भी दे सकते हैं। नोजल इसको कनेक्टेड ही रखना है, जब वो पानी फुल हो जाएगा ऑटोमेटिक पानी लेना बंद हो जाएगा। जब जैसे जैसे खत्म होगा पानी लेना स्टार्ट कर देना है। ये इसका ढक्कन रहता है, ये वाटर टैंक है पूरा इसका। ये कम से कम पानी का टैंक जो रहता है 75 से 80 लीटर का टैंक है, इनबिल्ट टैंक है। वो पूरा केमिकल प्रयोग पंप किया हुआ है, पूरा केमिकल फील वाला है पूरा, इसके अंदर केमिकल फील किया रहता है। और इसका जो कूलिंग सिस्टम रहता है वो इसके अंदर यहाँ पे लगा रहता है, इसका बॉक्स है। इसको खोल के भी हम आपको दिखाएंगे इसका। इसका इंजन अंदर का सिस्टम है पूरा, आप देख सकते हैं। जहां पे मोटर लगा रहता है, क्रॉम्पटन कंपनी का मोटर है, क्रॉम्पटन कंपनी का पंप लगाया है। यहाँ पे इसका सर्किट बोर्ड है, जो सर्किट सिस्टम ऑपरेट होता है पूरा सर्किट बोर्ड है इसका। यहाँ पे कार्बोनेटिंग सिस्टम है, ये ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पे कोई कंप्रेसर वो सिस्टम नहीं रहता है इसमें, कंप्रेसर का पूरा सिस्टम यहाँ हमने नीचे लगा दिया है। और यहाँ पे इसका टेम्परेचर सिस्टम है, मशीन के अंदर कितना टेम्परेचर का पानी ठंडा है गर्म है ये सिस्टम यहाँ पे बताएंगा। यहाँ पे इसका वोल्टेज मीटर डाला हुआ है, जिसके अंदर से ऊपर से कितना वोल्टेज कम ज्यादा आ रहा है इसके अंदर मीटर में दिखाएंगे आपको, कि आपके शॉप में आपके दुकान में कितना पावर कम आ रहा है कितना हाई आ रहा है, यहाँ से आपको शो करेगा। और पूरी स्टेनलेस स्टील में मशीन बनाई गई है, 304 फूड ग्रेड मटेरियल के अंदर पूरी मशीन को बनाया गया है। और आपको ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे डायरेक्ट कंपनी के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी कंपनी की वेबसाइट है, ये वेबसाइट पे आप ओपन करके हर एक जानकारी डिटेल्स ले सकते हैं इसके बारे में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।